एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ नेहा स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ क्लास 8 फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये 2020 का लास्ट वीडियो है। बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 8 के लिए। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है? बेसिकली फैक्टराइजेशन में हम फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स किसी भी नंबर का निकालते हैं हम लोग, जैसे कि 12 एक एग्जांपल है फैक्टर्स का। तो 12 का नॉर्मली तो 1 और 12 होगा, इससे छोड़ के इसका फैक्टर्स क्या हो सकता है? तो जैसे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि 3xy, अगर किसी भी नंबर में x, y, a, b या p, q या इस तरह से कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर ऐड होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मींस वो अलजेब्रा में आएगा। ठीक है, तो 3xy का जो फैक्टराइजेशन होगा, जो फैक्टर्स होगा, वो क्या होगा? x, y, 1 एंड 3। सबसे बड़ी बात कि फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर्स हम लिखते हैं उसे हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। प्रोडक्ट के फॉर्म में मीन्स जो बीच में होता है वो मल्टीप्लाई का साइन होता है। ये मल्टीप्लाई आपस में नहीं होता है, लेकिन हम इसे ऐसे लिखते हैं। मैंने दो एग्जांपल लिया है, 15xy और एक 7xy। ठीक, तो 15xy को इस तरह से लिखा है मैंने और 7xy को इस तरह से लिखा है, आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स 3x इंटू, मतलब मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में x प्लस 2। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? तो इसके फैक्टर्स होगा 3, फिर x और ये x प्लस 2। ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आप बात करते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मतलब फैक्टराइजेशन में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बिना मेथड्स के तो कुछ सॉल्व होता नहीं है। तो फैक्टराइजेशन का जो पहला मेथड है वो है कॉमन फैक्टर। मींस पहले सबसे इनिशियल मेथड क्या है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं, अगर एक एग्जांपल लेके मैं समझाती हूँ, अगर 2xy प्लस 10x है, तो 2xy की अगर मैं बात करूँ तो 2xy के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या होंगे? 1, 1 तो एज यूजुअल सबका ही होता है 1, फिर 2, फिर ये x और ये y। ठीक, उसी तरह अगर 10x की बात करें तो 10x का जो फैक्टर्स होगा वो क्या हो जाएगा? 1 होगा पहला, तो दूसरा होगा 2। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? 2 कैसे हुआ, यानी कि 2 के टेबल में 10 आता है तो 2 हो गया इसका फैक्टर। फिर 5, 5 के टेबल में भी 10 आता है। फिर x, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और 1, और 10 तो एज यूजुअल होगा ही। ठीक, मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन 10 भी होगा। तो इस दोनों में कॉमन क्या है? इस दोनों में कॉमन क्या है? 2x। ठीक, कॉमन फैक्टर मीन्स जो कॉमन हो एक दूसरे में, 2x हो गया कॉमन। और यहाँ बचा क्या? y लिख दिया मैंने, और 5, 1 तो एज यूजुअल है ही, लिखे या ना लिखे बात एक ही है। तो यहाँ से और क्या आ गया? 5। तो ये क्या हो जाएगा? 2x मल्टीप्लाई में y प्लस 5, यानी 2x मल्टीप्लाई वाई प्लस 5, ये क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर। ठीक है, ये हो गया इसका फैक्टर। अब सेकेंड मेथड की बात करते हैं, रीग्रुपिंग टर्म्स। रीग्रुपिंग टर्म्स मीन्स कि हम लोग कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसे रीअरेंज करके उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में है xy + x + y + 1, तो इसमें जो साथ वाले, जैसे कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म साथ में ले लेते हैं और इस दोनों को साथ में ले लेते हैं, तो xy प्लस x में कॉमन क्या है? x, तो x को मैंने बाहर लिखा है। यहाँ बचा क्या? y और प्लस 1, उसे ब्रैकेट में लिख दिया। फिर प्लस, फिर यहाँ पे कौन सा टर्म है? ये दोनों टर्म को साथ में लिया था तो इसे ब्रैकेट में लिख देंगे, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या? 1 है, तो प्लस 1। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? y प्लस 1 और x प्लस 1। ये इस तरह से हो गया पहला, अगर पहला मेथड ये हो गया, मतलब पहला ये ग्रुपिंग करके ऐसे लिख कर सकते हैं सॉल्व। अगर ग्रुपिंग नहीं करना है तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, एक्स वाई को पहले y के साथ लेंगे फिर x को 1 के साथ रख लेंगे, तो ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा।
ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज यूज करके फैक्टराइजेशन करना। तो आइडेंटिटीज में जैसे आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है इसका, ये क्या होता है, आइडेंटिटी होता है अलजेब्रा का। बेसिक आइडेंटिटी तो यही है, इसके फॉर्मूला सबको पता होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी स्क्वायर का। और ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 16। इसे आइडेंटिटीज के फॉर्म में सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर मीन्स ये क्या है, ए का स्क्वायर है, ठीक है, ए का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। एट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एट एक्स को लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू एक्स, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए के जगह एक्स है और बी के जगह 4 है, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह सेकेंड में भी एग्जाम्पल लिया है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, 12x को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक, ये हो गया इसका आइडेंटिटी। इस तरह से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका नॉर्मली हम जब a प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 6 का होल स्क्वायर, दैट इज x प्लस 6 इंटू x प्लस 6, ठीक। अब बात करें नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट एंड लास्ट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब होता है मिड वाले जो, मिड में जो टर्म होता है यानी मिडिल में जो टर्म होगा उसे स्प्लिट करना। मींस जो मिडिल में है उसे हम नॉर्मली क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इस वाले मेथड में क्या करते हैं कि जो ये लास्ट वाला टर्म है जो कांस्टेंट है और ये स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग का स्क्वायर में जो होगा उसका जो कोएफिशिएंट है, यानी कि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इस दोनों टर्म को हम क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसे प्लस माइनस में इस तरह से अरेंज करना होता है कि मिडिल वाला टर्म वही आए। तो 6 और 1 को मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 6, और 6 का जब हम प्लस माइनस फॉर्म में करेंगे तो ये 1 प्लस 5 जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6। 1 प्लस 5 करेंगे तो 6 आएगा, या नहीं तो 2 प्लस 3 करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 अगर मैंने किया तो ये क्या आ गया, 5, और 6 तो यहाँ पे था एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे फिर हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ग्रुपिंग लगाएंगे यहाँ पे फिर से। तो ग्रुपिंग लगाया मैंने इस दोनों में और इस दोनों में, तो यहाँ से क्या कॉमन आया, x कॉमन आया और बचा क्या, x प्लस 2, और फिर उसके बाद x प्लस 2 कॉमन आया। उसके बाद क्या करेंगे कि इस दोनों को जो लिया था हमने, यहाँ पे 3 कॉमन आ गया और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 2 बचा, और यहाँ पे x प्लस 2 बचा, तो यहाँ का फैक्टर क्या आ जाएगा, x प्लस 3 एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस 2, ठीक। तो ये थे इसके कुछ मेथड्स फैक्टराइजेशन के, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा आज का कुछ नॉर्मल मेथड्स थे फैक्टराइजेशन के। नेक्स्ट जो टॉपिक जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो न्यू ईयर के बाद आएगा, तो है मनाइएगा, घर में रहिएगा क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, उसमें आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा मेरा, और किसी भी क्वेरीज के लिए, और या नहीं तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और अपने फ्रेंड से भी शेयर ज़रूर कीजिएगा नेहा स्टडी पॉइंट को।